आधी इजराइल सो रही थी तभी अचानक से गाजा स्ट्राइप इजराइल के बॉर्डर एरिया वाले शहरों में 5,000 से ज्यादा मिसाइल दाग दी और जेसीबी से बॉर्डर फेंसिंग तोड़कर समुद्र के रास्ते यहां तक कि ग्लाइडर से नजदीकी शहरों में घुसकर वहां के लोकल फोर्सेज और लोकल सिटीजंस को मारने के बाद कई इजरायली सोल्जर्स और लोकल सिटीजंस को गाजा स्ट्राइप के मिलिटेंट होस्टेज बनाकर वापस ले। यहां मैं गाजा स्ट्राइप के फाइटर को मिलिटेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके लीडर हमास को आधी दुनिया मिलिटेंट ग्रुप मानती है और उनका कहना है कि वो फिलिस्तीनी मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। और 2006 के अटैक में हमास फाइटर्स ने गिलाद सैलिद नाम के एक इजरायली सोल्जर को 5 साल तक होस्टेज बनाकर रखा था। छुड़ाने के लिए इजराइल को 1,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ा था। और इस बार के अटैक के बाद हमास लीडर का कहना है कि वो इतने ज्यादा इजरायली सोल्जर और सिटीजन को होस्टेज बना लिए हैं जिससे वो अपने सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वा सकते हैं। और गाजा स्ट्राइप के इस सरप्राइज अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है।